अब बीजेपी को कैसे पसंद करेंगे पसमांदा? योगी के सामने ही छीन ली गई पसमांदा मंत्री की कुर्सी। मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सामने ही भरे मंच पर भाजपाई पूर्व मंत्री ने भाजपाई वर्तमान मंत्री को धकिया दिया। चाल चरित्र चेहरे संस्कार और मर्यादा की बात बघारने वाले भाजपाई आपस में मंचों पर खुद ही जूतम पैजार और धक्का मुक्की करते हैं और यही भाजपाई दूसरे दलों को ज्ञान देते हैं। सोचिए ऐसी कोई तस्वीर किसी विपक्षी दल के मंच से आई होती तो अब तक चरित्र और संस्कार की दुहाई देने वालों की वेटिंग लिस्ट आ गई होती। टीवी चैनलों में टेबल पर चढ़कर एंकर ऐसे उछल कूद मचा रहे होते जैसे अडानी के शेयर गिरने में इसी का हाथ हो। अब जरा इसकी पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह में यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी बड़े नेता पहुंचे थे। इसके बाद कई जगहों पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हुआ, लेकिन गणतंत्र दिवस के एक ही कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में योगी सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री एक दूसरे से कुर्सी के लिए भिड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में योगी सरकार के पूर्व अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री मोहसिन रजा और वर्तमान में अल्पसंख्यक विभाग संभाल रहे मंत्री दानिश आजाद अंसारी दोनों पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में मंच पर बैठने के दौरान ही दोनों मंत्री एक ही कुर्सी पर बैठने के लिए जद्दोजहद करने लगे। ये घटना मंच पर उस दौरान हुई जब यहां योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। जरा मोहसिन रजा का ये ट्वीट देखिए। ट्वीट में जनाब ने इतना तो लिखा कि योगी और ब्रजेश पाठक के साथ सैन्य शक्ति प्रदर्शन में प्रतिभाग किया, लेकिन खुलकर ये नहीं बताया कि रजा साहब उस शक्ति प्रदर्शन में अपने प्रतिद्वंदी दानिश अंसारी पर भारी पड़े। लेकिन ये तस्वीर गवाही दे रही है कि मोहसिन रजा ने दानिश अंसारी को धकिया दिया, कुर्सी से हटा दिया। इस पूरी कहानी के अंत में आपको ये जानना जरूरी है कि मोहसिन रजा पिछली सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री थे। इस बार इस विभाग की कमान दानिश आजाद अंसारी को सौंपी गई है। दानिश आजाद अंसारी पसमांदा समाज से आते हैं। पसमांदा समाज को बीजेपी इन दिनों साधने में लगी हुई है। यही कारण है कि सरकार में दानिश आजाद अंसारी का कद बढ़ गया है। लेकिन योगी के सामने ही बेचारे अंसारी के साथ ये क्या हो गया? ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ लॉन्चर।